So guys, आज हम देने वाले इन तीन गरीब लोगों को पूरे के पूरे एक एक करोड़ रुपए, जिनका ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा इन पैसों का सही यूज करेगा उनको हम लास्ट में देंगे बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज। तो देखते कौन सही काम करता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना सबसे पहला टास्क है गरीब लोगों को ढूंढना। अबे क्या फ्रेंक ब्रो, क्या गरीब लोगों को ढूंढना, मैं तेरे सामने ही तो खड़ा। अच्छा। अबे तू और गरीब भाई, सूट बूट पहनकर कौन गरीब रहता है? अबे यार समझ आकर यार बात मेरा, भाई मैं गरीब हूँ, मेरी बीवी गरीब है, मेरा बच्चा गरीब है। अच्छा वो हाथी तेरा बच्चा वो भी गरीब हो गया? अबे यार ऐसे इंसल्ट मत करा कर यार, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। हाँ लेकिन मेरे सामने नहीं है बेटा, यहाँ पर पैसों के लिए तू बदल गया, मतलब अपने सामने चोर दिखाता रहता इतना पैसा, और अभी बता रहा है अपने पास कुछ भी पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मतलब एक करोड़ रुपए के लिए बदल गया तू? अबे यार चल कोई बात नहीं। अबे वैसे तू पीछे क्यों बैठा? अबे यार मेरे को तेरी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा। रुको जरा। अच्छा अच्छा बेटा, अभी देख मेरी ड्राइविंग कितना ज्यादा मस्त तरीके से चलाता हूँ। अच्छा चल मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तूने अच्छे से चलाई तो तेरे को मैं पैसे दूंगा। चल 1 2 3 क्यों निकल गई हवा? अरे वो तो फिसल गई थी गाड़ी, भाई फिसल जाते इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझसे नहीं फिसलती क्या? ऑलराइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर देखते रहना भाई माइकल, यहाँ पर आसपास कोई गरीब दिखे तो। और भाई सब ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर अमीर बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे सूट बूट पहन कर यहाँ पर दौड़ रहे। और भाई अपनी गाड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस उतनी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन भाई इसके भी यहाँ पर आगे से टूट फूट चुके, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है भाई? यहाँ पर बंदे डांस वांस कर रहे। रुको एक सेकंड भाई माइकल, ये क्या चल रहा है? अरे यार यहाँ पर एक बंदा रहता है बहुत मस्त गाता है यार, सच में यार मैं भी उसका फैन हूँ। अच्छा ऐसी बात, अच्छा यही तो है भाई। और भाई क्या ही गिटार बजा रहा है। तो चलो भाई अपनी पहली खोज यहाँ पर संपूर्ण हुई, इसको अभी हम बोलते हैं चल भाई अभी तेरा काम यहाँ पर हो चुका है, अभी तेरी किस्मत चेंज होने वाली, चल हमारे साथ। ए, तुम कौन हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? अबे चल तो, अभी मैं तेरे को पैसे देंगे, वो भी पैसे ने बहुत सारे। अच्छा चलो ठीक है चलता हूँ मैं, थैंक यू वैसे आप लोगों का। अरे थैंक यू तो पैसे मिलने के बाद बोलना। तो चले चलते हैं। अभी ये कौन बंदा है अपनी गाड़ी को साफ करने लगा? अरे भाई साहब यहाँ पर जो भी आता है उनकी मैं गालियाँ छाप करता हूँ, आपकी भी करती, बस सिर्फ 10 रुपए दे दो ज्यादा नहीं। अरे भाई साहब तो चलो यार, यहाँ पर सेकंड बंदा भी अपने को मिलते, वो मेहनती बंदे चाहिए अपने को इसी टाइप से, चलो हमारे साथ चलो अभी। लेकिन कहाँ पर? अरे चलो तो सही, अभी आपको यहाँ पर देते हैं पैसे। अरे क्या पैसे, मैंने कभी नहीं देखे पैसे, कितने दोगे? तेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा, चलो अभी चलते हम जल्दी से। तो चलो गाइस यहाँ पर दो बंदे मिल चुके, दोनों बंदे यहाँ पर मेहनती बंदे, अपने को इसी टाइप के बंदे चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पर इधर उधर पड़े रहते उस टाइप के बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़े बहुत मेहनती होने चाहिए। वेट भाई यहाँ पर ये कौन खड़ा है भाई, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते ये बंदा है जो कि इस कूड़े कचरे पात्र के ऊपर ही खड़ा है भाई, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। भाई साहब उठ जाओ भाई, आपका यहाँ पर किस्मत अभी हम करेंगे चेंज। अरे क्या बात कर लो, हमारी किस्मत वो तो कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए हम आए। चलो भाई अभी हमें आपको दूंगा बहुत सारे पैसे, हमारे साथ चलो। क्या पैसे, अरे चलो चलो चलता हूँ मैं जल्दी, अरे बैठ जाओ। अरे ये तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया भाई, आई थिंक बेचारे को कभी पैसे नहीं देखे। और माइकल और सब बैठ गए, अभी लास्ट बंदा भी, तू किधर बैठेगा? चल अभी तेरी राइट पोजीशन पर आ जा, तू बैठ जा, आगे आ जा, कोई शर्माने वाली बात नहीं। अरे यार ब्रो ढंग से चलाना, आगे से उड़ ना जाऊं, नहीं तो मेरे पैसे के चक्कर में मैं ही उड़ जाऊंगा जिंदगी से। अरे टेंशन मत ले, अपनी ड्राइविंग पर तेरे को भरोसा नहीं है, वो तो माइकल को भी नहीं होता है कभी भी। अरे ब्रो अच्छे से बैठना, ये ठरकी तेरे को उड़ा भी सकता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं, पहुंच भी गए। चलो गाइस, तो अभी हम अपनी गाड़ी को लगाते साइड में। ओ भाई भाई सब कुछ ज्यादा ही फिसल रही है, बनता आगे से भाई, इसकी धड़कने तेज हो रही है यहाँ पर। तो चलो यार गाइस सभी चलते जल्दी से नीचे और तीनों बंदों को देते पूरे के पूरे एक एक करोड़ रुपए। तो चलो यार आ जाओ यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो ओके गाइस, और चोप, अबे चोप यहाँ पर मेहमान आए तो इस टाइप से स्वागत करे उनका? आए अपन का यही स्टाइल है, पसंद आए तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट करो, चलते बनो निकल। भाई साहब ये कुत्ते भी इज्जत नहीं करने लगे आजकल, पता नहीं अलग ही सेवेग लेवल के कुत्ते बन रहे। तो चलो यार ये है यहाँ पर तीन बैग और तीनों के अंदर एक एक करोड़ रुपए, जो कि मैं तीनों लोगों को दूंगा, और आप तीनों में से जो भी अच्छा काम करेगा इन पैसों से उनको मैं लास्ट में दूंगा बहुत ही बड़ा सरप्राइज। तो चलो लेकर निकलते बनो, आपके पास सिर्फ 24 घंटे। अरे क्या 24 घंटे, वो भी एक करोड़ में तो पगला गया। अरे थैंक यू ब्रो चलता हूँ मैं। और हाँ लोकेशन सेंड कर देना 24 घंटे के बाद, जहाँ पर भी आप जो भी करो वो। अरे हाँ ठीक है ओके बाय बाय टाटा सी यू। तो चलो यार गाइस माइकल अभी क्या प्लान है तेरा? प्लान क्या, घंटा प्लान है, मेरे को कुछ दिया नहीं और प्लान करता रहता है, चल भाग जा, बुलाना मत मेरे को अभी। अरे चल माइकल टेंशन मतलब तेरे को भी दूंगा, तू टेंशन क्यों ले, एक एक करोड़ दे उनको तो तेरे को भी हम 2-4 10 रुपए दे ही देंगे। तो चलो यार गाइस अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में हम जाएंगे उन लोगों के पास और देखेंगे उन्होंने क्या किया। और माइकल
अबे ये माइकल इधर भी आ गया भाई, सो जा भाई। तो चलो यार गाइस यहाँ पर हो चुकी सुबह। और व्हाट, अबे माइकल तू रात भर से नहीं सोया क्या? अरे यार ब्रो देख मेरी आंखें सूज गई, मेरे को भी चक्कर आने लगे, अब दे देना यार मेरे को पैसे। अरे भाई यार ये अलग ही लेवल का बंदा है, अभी पैसों के पीछे ही पड़ गया। और अभी टाइम 12:31 हो चुके यार, 10-26 घंटे हो चुके भाई। कल 10:30 उन लोगों को पैसे दिए थे, अभी 12:21 हो रहे। तो चलो यार जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। और माइकल बेटा तेरे को दे देंगे पैसे, टेंशन मत ले। अभी तू टेंशन मत ले, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है तू, रातों रात सो नहीं रहा है, तो तेरे को जरूर पैसे मिलेंगे। अरे यार थैंक यू ब्रो, यार तू तो मेरा प्रिय मित्र है, थैंक यू। अरे बस बस इतना भी नहीं चला, अभी जल्दी बैठ जा। तो चलो यार गाइस अभी हम चलते फर्स्ट वाली लोकेशन पर, जिस उस बंदे ने अपने को सेंड करी है। ओके गाइस हम आ चुके इस वाली लोकेशन पर, और ये जो आप सामने देखो ये लोकेशन बता रहा है क्या भाई, उस बंदे ने इतना ज्यादा तगड़ा घर मेंशन ले लिया भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, कौन सा बंदा कौन है भाई। भाई आप देख रहे हो भाई, और इसने सेम टू सेम अपनी वाली गाड़ी ले ली, लैम्बोर्गिनी उरुस भाई। ये ब्लैक कलर के येलो कलर में कुछ अलग ही लग रही। चलो भाई साहब खतरनाक भाई, ये कौन बंदा है ये, इसको मेरे को देखना पड़ेगा भाई। इसने अच्छे काम के लिए बोला था, लेकिन ये अलग यहाँ पर घर वर ले लिया। वैसे उसने उसकी यहाँ पर ख्वाहिशें पूरी करा, अपने सपने पूरे कर उन पैसों से। और ये कैसे गेट लगा इस बंदे ने भाई, आर पार हम जा पा रहे अलग ही। तो चलो यार सभी ऊपर चलकर देखते, और देखते भाई घर देख रहे हो भाई, अलग ही खतरनाक घर है भाई। कुछ भी बोलो घर तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल इस बंदे ने लिया। लेकिन ये बंदा कौन है, मेरे को बंदा देखना है एक बार, ये वो है या मतलब कौन सा वाला ये बंदा, वो उधर पड़ा था ऊपर वो वाला, या फिर वो गिटार बजाने वाला, या फिर वो अलग है वो। तो ये तो अपने देखना पड़ेगा। घर आप देख सो काफी ज्यादा बड़ा घर है, एंड यहाँ पर आप देख सो अलग, यहाँ पर बेडरूम भी देखो कितना मस्त हो। और यहाँ से पूरी LCD वगैरह व्यू आप देख सकते हो, वहां से कांच वाच लगा रखे। तो चलो यार सभी मैं नीचे चलता हूँ जल्दी से, और बंदे को देखना पड़ेगा ये कौन सा वाला बंदा है। तो इधर से मेरे को कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, और भाई साहब इधर तो डांस पार्टी चल रही, किट्टी पार्टी चल रही। ओके एक मिनट, और भाई अबे ये तो वो बंदा है भाई, अपनी गाड़ी साफ करने के लिए आया था वो बंदा। और भाई यहाँ पर देख रहे हो फुल चोर में बैठा है भाई, और यहाँ पर फुल लोंडियाबाजी, इसने तो पूरे मजे ले लिए भाई। बंदे ने अलग ही लेवल का बंदा है। तो चलो यार गाइस इस बंदे ने तो कुछ ज्यादा खास काम नहीं किया, सिर्फ अपनी ख्वाहिश सपने पूरे करे, जो कि इसको शायद पैसे ज्यादा मिलने की वजह से यही करना चाहिए जो भी है। तो चलो गाइस अभी हम देखते हैं एक और बंदा, दो बंदे और बाकी है, तो देखते हैं अभी उन्होंने क्या करा है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले बंदे के पास, जिसकी लोकेशन अपने को मिल चुके हैं, तो चलते सीधे उसके पास। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ओके गाइस हम आ चुके अभी सेकंड वाले बंदे के पास, एंड मेरे को भी नहीं पता ये कौन सा बंदा है, इसने भी घर लिया है भाई, ये घर के शौकीन है सारे बंदे आई थिंक। तो चलो ये अपना इधर वेट करो। ओके भाई, और ये तो वो है भाई, वो उस कूड़े कचरे के ऊपर पड़ा था वो वाला बंदा, और इसने भी यहाँ पर ड्रेस व्रेस पहन ली खतरनाक। और आप देखो भाई कितना ज्यादा तगड़ा घर बना लिया भाई, और आई थिंक इसका कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। इधर आई थिंक ये स्विमिंग पूल होना था, लेकिन पानी भी नहीं है यहाँ पर, आई थिंक टैंकर डलवाने के इसके पास अभी पैसे नहीं बचे। बात तो सही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला, इतना भी कुछ महान काम नहीं किया इसने, जो कि हम इसको पैसे देंगे। चलो यहाँ पर कौन पता नहीं अंकल जी बैठे, एंड चलते ऊपर। ओके इधर एक और रूम है, इस बंदे का मतलब आप देख सो उतना भी ज्यादा बेहतरीन घर नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक है ऐसे, लेकिन फर्स्ट वाले बंदे का था उसने तो भाई अलग ही घर बना लिया। और ऊपर से गाड़ी कैसे ले ली भाई, 1 करोड़ में घर बन गया होगा, गाड़ी कैसे ली उसने भाई, अलग ही लेवल का बंदा है भाई। तो लैम्बोर्गिनी उधर उसके छोटी मोटी कार तो ही नहीं, पता नहीं कैसी ले ली उसने। और ऊपर वाला फ्लोर भी आप देख बहुत ही ज्यादा छोटा है यार, इसने घर तो लिया है लेकिन काफी ज्यादा कंजूसी कर लिया आई थिंक, और भी शायद से इसने पैसे बचा लिए होंगे इसके फ्यूचर के लिए। तो चलो ये भी ठीक है भाई, तो अभी हम चलते हैं जल्दी से अभी लास्ट बंदे के पास, और देखते उसने क्या किया। अले यार ब्लो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अबे तू क्यों चल रहा है हमारे साथ? अले यार मेरे को देखना उस बंदे ने कौन सा घर या क्या किया है, मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे तूने ये घर कितने में लिया? अरे ये तो मैंने 90 लाख में लिया। अच्छा अच्छा ठीक है अभी हम चलते, तो अभी अपने को जाना उस वाले बंदे की लोकेशन पर, जो कि उसने भी अपने को सेंड कर दिया। तो चलते जल्दी से उसी वाले बंदे की लोकेशन पर, और देखते इसने क्या ही किया है। ओके गाइस अभी हम आ चुके लास्ट वाले बंदे के पास, और इसका घर आप देख, ये वो बंदा है जो कि गिटार विटार बजा रहा था, काफी मस्त कलाकार बंदा है भाई ये। तो देखते इसने क्या कलाकारी करी। घर तो भाई बिल्कुल बेसिक सा लग रहा है भाई, इसने कुछ भी नहीं खास नहीं किया भाई। यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर इसकी डेस्क वगैरह, यहाँ पर सिंगिंग के लिए आई थिंक कुछ होगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर LED लगा रहे कि छोटी सी, और यहाँ से व्यू ले सकते भाई। ये क्या बंदा है भाई,
इतने ये तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं 2-4 लाख का ही होगा भाई घर। और यहाँ पर ये क्या स्टेचू भाई एक दूसरे को थप्पड़ रख रहे, ये क्या अलग सीन है भाई। अबे किधर जाओ बंदा, अबे ये क्या लगा रखा है भाई तूने। ए ब्रो ये मेरे मदर और फादर है, उनका ड्रीम था कि हमारे पास भी एक घर हो, लेकिन अभी घर है तो अभी वो नहीं, इसलिए मैंने उनकी याद में स्टेचू लगवा दिए है ताकि हमेशा मैं उनको याद करता रहूं। ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन और भी पैसे तो बचे होंगे ना। अरे यहाँ पैसे बचे थे मैंने अनाथ आश्रम में दे दिए, और बचे हुए थोड़े बहुत पैसों से मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए फ्यूचर के लिए। भाई साहब इस बंदे ने सही काम किया है, तो भाई तेरे को हम देंगे बिल्कुल ही बिग सरप्राइज। अरे नहीं ब्रो यार इतना सब कुछ दे दिया यही काफी है, मैं नहीं ले सकता प्लीज। अरे भाई बहुत ज्यादा बड़ा दिल है इस बंदे का, तो चलो यार गाइस अभी हम मेरे भी बचा लेते पैसे, माइकल को दे देंगे। तो चलो यार गाइस ओके बाय बाय बेटा, चलते हैं अभी हम। और गाइस आप लोगों को 1 करोड़ रुपए मिल जाए आप लोग क्या करोगे मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।